कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। अब यहाँ रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया है, क्या लग रहा है इस बार टक्कर में अरविंद शर्मा है, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? भाई हम तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं। रोहतक में क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेकर? बस कांग्रेस का ही सुन रहे हैं। कांग्रेस का ही सुन रहे हैं आप? हाँ। ठीक है। रोहतक में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? अब तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस से। देखो ये कंपटीशन है, कांग्रेस जीतेगा। आपकी हरियाणा की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ। काम किसके अच्छे लगे, बीजेपी के लगे कांग्रेस के लगे? कांग्रेस के अच्छे लगे। कांग्रेस के अच्छे लगे। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे अभी, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? जो लिस्ट कांग्रेस ना उठ करी उससे तो कांग्रेस भारी पड़ती है। कांग्रेस भारी पड़ती है। क्या माहौल चल रहा है रोहतक में? माहौल जो आज जिस तरह टिकट बांटी गई है उससे लोगों में बहुत ज्यादा अच्छा माहौल। चुनाव की बात कर लेते हैं, अभी 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम आया है सामने, तो क्या लग रहा है आपको, भारी पड़ेंगे अरविंद शर्मा पे? भारी पड़ेंगे। अच्छा। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रूही और आप देख रहे हैं अलख हरियाणा। इस वक्त हम मौजूद है जाट भवन के बिल्कुल ठीक सामने चौधरी देवीलाल पार्क में, जो सेक्टर 1 में स्थित है। लोकसभा चुनाव है, चुनाव को लेकर हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि रोहतक शहर में क्या माहौल चल रहा है, किसका मूड बना हुआ है, किसका जोर ज़्यादा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया है, उनकी टक्कर में सामने अरविंद शर्मा है। तो लोगों से जानेंगे कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर छठे चरण में मतदान होने वाला है, 25 मई को यहाँ पे चुनाव है, तो आप सब भी ज़रूर मतदान करें। आपका मतदान, एक मतदान जो है बहुत कुछ बदल सकता है। हम पार्क में आ चुके हैं, काफ़ी हरा भरा है पार्क, काफ़ी लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। क्या नाम है मैम आपका? प्रमिला। डेली आती है आप इस पार्क में? जी। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, अब यहाँ रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम सामने आया है, क्या लग रहा है इस बार टक्कर में अरविंद शर्मा है, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? भाई हम तो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के हैं जी, हम तो दीपेंद्र के साथ। अच्छा, क्या खास बात लगी दीपेंद्र की? भाई खास बात तो ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। अच्छा, तो खास बात किस में? हाँ, खास बात है किसे में ना। अच्छा। ना बीजेपी ने नौकरी दी बच्चा था। अच्छा। और पहले कांग्रेस थी ना कांग्रेस ने दी। अच्छा। ये बीजेपी तो छकलिए बदल के देख लिया। अच्छा। और के बेटा क्या माहौल चल रहा है रोहतक में? रोहतक में बेटा बस यही माहौल चल रहा है, कांग्रेस का ज्यादा लगा है। बताइए क्या नाम है आपका? परमिला। क्या माहौल चल रहा है रोहतक में? बहुत अच्छा। चुनाव तो चले, किसका जोर ज्यादा है, बीजेपी का है कांग्रेस का है? यहाँ तो दीपेंद्र का ही है। दीपेंद्र का है, दीपेंद्र काल का ही। ठीक है। क्या नाम है आपका? सुनीता। डेली आती है आप इस पार्क में? हाँ जी डेली आते हैं। अब जा रही हैं वापस? वापस जा रही हैं। अच्छा, रोहतक में क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेके? बस कांग्रेस का ही सुन रहे हैं। कांग्रेस का ही सुन रहे हैं आप? हाँ। ठीक है ठीक है। हमने इन महिलाओं से बात की, इन्होंने बताया कि यहाँ पर कांग्रेस का जोर ज़्यादा है, यहाँ पर बुजुर्गों का ग्रुप आ रहा है, इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। नमस्ते अंकल। नमस्ते। क्या नाम है आपका? शुक्रिया। जा रहे हो पार्क से? हाँ जी। अच्छा, रोहतक में क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेके? अब तो यहाँ से दीपेंद्र सिंह हुड्डा है कांग्रेस से। देखो ये कंपटीशन है, कांग्रेस जीतेगा। अच्छा, और कर्मा के आपके हिसाब से कौन किस पे भारी पड़ रहा है? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा भारी पड़ रहा है। अरविंद शर्मा भारी पड़ रहा है। भारत भारी। आप बताइए। धन्यवाद। बता दिया बेटा, वो तो उन्होंने बताया, आप बताइए किसका जोर ज्यादा है? दीपेंद्र की है। दीपेंद्र की। अच्छा, हरियाणा की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। हाँ। हाँ जी अंकल जी, कांग्रेस जी। कांग्रेस जीतेगी बिल्कुल। क्या लग रहा है इस बार कौन किस पे भारी पड़ा है, अरविंद शर्मा पे दीपेंद्र हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा पे अरविंद शर्मा? अरविंद शर्मा ही लग रहे हैं भारी। तो अरविंद शर्मा भारी देख रहे हैं ना। हाँ। अच्छा, ये
दीपेंद्र और ये भूपेंद्र कुछ नहीं। ऐसा क्यों? कैसा क्या, 2010 में मैं मलेशिया गई थी और एशिया में सेकंड आई थी, मेडल लेके आई। कौन सी? 1500 मीटर की रनिंग में। अच्छा, 1500 मीटर की रनिंग की मैंने और उसमें मैं एशिया में सेकंड आई। अच्छा, और 2010 की बात, इनका राज था। मैंने सुहासा से भी मिली, दीपेंद्र से भी और उससे भी, और मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन हो गया था, कैलिफोर्निया जाना था मुझे। मैंने बहुत कहा, दिल्ली तक गई, पर इन्होंने एक नहीं सुनी, तो मुझे ये अच्छे नहीं लगते। अच्छा, इसलिए अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं अच्छा, लगते। और काम काज की बात करें तो रोहतक में किसने काम किया? देखो, काम तो इन्होंने कर रखे, काम कर रखे अच्छे। ये मिनी सेक्रेटरी एक दिन इन्होंने तो बनवाया था। अच्छा, अभी यहाँ पे 25 तारीख को, 25 तारीख को कल कमल की देंगे वोट। क्या नाम है सर आपका? ऋतिक। हम डरते नहीं ना, हम तो खुद से बोलते हैं। पहली पसंद कौन है आपकी? पहली पसंद तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा, काम किसके अच्छे लगे? बीजेपी के लगे, कांग्रेस के लगे? कांग्रेस के अच्छे लगे। कांग्रेस के अच्छे लगे। कौन सा काम अच्छा लगा कांग्रेस का? अच्छा, इतना तो मैडम पता। अच्छा, सांसद कौन सा अच्छा लगा, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमल है। डेली आते हैं आप इस पार्क में? हाँ, डेली आते हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे अभी चुनाव को लेके, थोड़ा बताइए। अभी कोई खास इतना नहीं है, अभी शुरुआत होगी। अच्छा, कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दिया, अभी यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम है सामने। देखो, आगे टाइम बताएगा। आपको क्या लग रहा है कि कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? अभी फिलहाल दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, ठीक है। थोड़ा समय निकलेगा, उसके बाद लगेगा। हम पार्क में भ्रमण करेंगे, आपको पार्क दिखाते हैं। काफ़ी सुंदर पार्क है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूले, काफ़ी साफ़ सुथरा ये पार्क है। बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं, बुज़ुर्ग जो है घूम रहे हैं, कुछ लोग जो है बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएँ भी हैं, युवा भी है। ये तीन जने बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आप? प्रदीप। रोहतक में क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव के लिए? पता है अभी इसके बारे में। अच्छा, ये सर बताओगे बैठे। अच्छा, आप भी तो रोहतक में ही रहते हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है अभी कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम? मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ज्यादा ज्ञान है मेरे। अच्छा, आपको सांसद कौन सा अच्छा लगा, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र अच्छा है। दीपेंद्र अच्छे हैं। क्या नाम है अंकल आपका? ज्ञान सिंह। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे अभी, कौन किस पे भारी पड़ने वाला है? जो लिस्ट कांग्रेस ना उठ करी उससे तो कांग्रेस भारी पड़ती है। कांग्रेस भारी पड़ती है। अच्छा, कैंडिडेट बढ़िया था, कैंडिडेट बढ़िया है। मतलब दीपेंद्र हुड्डा भारी पड़ेंगे अरविंद शर्मा पे? सारे 10 के 10। 10 के 10। इन्होंने जो बताया कमरे तो उन्होंने बताया, आप बताइए अपना। क्या बताया, अभी तो माहौल देखेंगे। अच्छा, देखेंगे। हाँ, अभी कुछ नहीं चल रहा। नहीं, क्या चलना, अभी तो टिकट इशू हुई है। अच्छा, अब 2-3 दिन के बाद पब्लिक एकदम से आएगी निकल के। सारे कहाँ जाएगी निकल के पब्लिक? पब्लिक जाएगी कि फील्ड में जाएगी, पूछेगी भाई ये हमने जो फैसला लिए हैं जो भी पार्टियाँ हैं। अच्छा, तो वो ठीक करें गलत करें। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? आप बताओ क्या होगा, आप बताइए। नहीं, अब आप तो कई सारे 10 साल बीजेपी के उड़ासा भी रहे, 10 साल तो काम को देख के उस हिसाब से तो लोग कल तो यहाँ लोगों की राय यही है कि दीपेंद्र ने ज्यादा काम किया। अच्छा, ठीक। आपका स्वागत है। क्या नाम है सर आपका? मेरा ओम प्रकाश नाम है। क्या माहौल चल रहा है रोहतक में? माहौल जो आज जिस तरह टिकट बांटी गई है उससे लोगों में बहुत ज्यादा अच्छा माहौल। अच्छा, खुश हैं? खुश हैं लोग, जो नाम जारी हुए हैं। हाँ, सबसे अच्छे एकदम। अच्छा, मतलब भारी पड़ेंगे दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा पे? हाँ, भारी पड़ेंगे। अब की बार माहौल ऐसा है कि वो भारी पड़ेंगे। भारी पड़ेंगे, ठीक। और आपने पूछा, धन्यवाद आपका। यहाँ सामने यहाँ सामने जो है ताऊ देवीलाल की मूर्ति है, और मैं अपने सहयोगी से कहूँगी कि एक बार यहाँ पे थोड़ा फोकस करो, इन्हें दिखाएं, इनके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ बच्चे जो है शायद कुछ खेल रहे हैं बैठ के, महिलाएं इनसे जानेंगे।
क्या नाम है? रघुवीर शर्मा। ठीक हो आप? बिल्कुल। रोज आते हो इस पार्क में घूमने? हाँ, जब ये राजस्थान से आया हूँ। अच्छा, तो लगातार आ रहा हूँ। क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है इस बार? तो यहाँ का तो क्या बता सकता हूँ, राजस्थान का बता सकता हूँ। अच्छा, तो राजस्थान में तो हो गए? हाँ, राजस्थान में तो आज खत्म हो गए ना। अच्छा, रोहतक में कब से रह रहे हैं आप? रोहतक में मैंने बेटा है, यहाँ डॉक्टर है, उसके पास कभी आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। यहाँ से जो है दीपक हुड्डा को मिले, दीपेंद्र हुड्डा, और उधर से वो डॉक्टर अरविंद शर्मा, अरविंद शर्मा को मिली है। ठीक। अच्छा, तो उनमें मुकाबला है? उनमें मुकाबला है। हाँ, उनमें मुकाबला है। जैसा सुनते हैं इधर उधर, जैसा सुनते हैं इधर उधर से, सुनी सुनाई बातों पे बता रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नीलम। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? एक्सरसाइज कर रही थी? हाँ, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, योगी, योगा। अच्छा, हाँ। ये बता रहे थे पीछे वो कोच, वो करवाते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं खुद करते हैं। खुद, हाँ, खुद ही कर। कब से आ रहे हैं आप यहाँ इस पार्क में? 18 साल से। 18 साल से आ रही हैं। हाँ। अच्छा, चुनाव की बात कर लेते हैं। अभी 25 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम आया है सामने। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको, भारी पड़ेंगे अरविंद शर्मा पे? भारी पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र, अरविंद शर्मा पे भारी पड़ेंगे? हाँ, दीपेंद्र भारी पड़ेंगे रोहतक से तो। अच्छा, और कहीं? ज़्यादातर रोहतक से भी, गोवाणा साइड से भी। अच्छा, कांग्रेस भारी पड़ेगी? हाँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस भारी पड़ेगी? ऐसा न्यू लग रहा है कि उसके मतलब बढ़िया बढ़िया काम करता हो। बढ़िया काम? हाँ। अच्छा, कौन सा काम अच्छा लगा आपको? मतलब सारे ही अच्छे हैं। सारे अच्छे हैं? हाँ, सारे ही बढ़िया। अच्छा, ये बता दो यहाँ पे काम किसने करवाया? क्या पता, मैं तो बाहर आर्मी में रहकर थी, किसी ने क्या करवाया है, है? मैं तो अभी आई हूँ, तो थोड़े दिन। कहाँ थी आप? मैं तो कई जगह रह का ही हूँ, आर्मी में थे तेरे अंकल। अच्छा, अग्निवीर के बारे में बता दो फिर। सही है, अग्निवीर सही है, सही है, और क्या सही है? लोग तो बोले कि अग्निवीर से ना 75% परमानेंट करेगा ये कौन? मोदी। अच्छा, हाँ, क्या आप किसको देखना चाह रही है? मोदी को? मोदी को क्या अच्छा लगा मोदी का? मोदी का सबके में गरीबा के लिए कितना कर रहा है, क्या किया उन्होंने? सब कुछ कर लिया, मकान दे दिए, इधर आड़े हैं और नहीं है? हाँ, और नहीं है कोई भी। अच्छा, रोहतक में नाराज है लोग, और कहीं नहीं है? अच्छा, ठीक है। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रानी। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। हाँ जी। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का नाम? हाँ, दीपेंद्र को बनाएंगे। अच्छा, हाँ, दीपेंद्र को वोट। क्या अच्छा लगा दीपेंद्र हुड्डा का? दीपेंद्र जाटा के लिए, जाटा के हक में है, कई काम करवाए हैं, रोहतक था चमका दिया, चमका दिया। दीपेंद्र बिरादरी की बात करते हैं, जाटों के एकले कैसे करते हैं? सबको साथ लेकर चलते हैं, पर फिर भी लेकर चल रहे हैं और उसी को बनाएंगे।